हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ शेफ प्रेम मेहरा। मैं आज आपको बताऊंगा चूल्हे के बारे में कि चूल्हा का पेट कैसा होता है और उसका सब्जी कैसे बनती है और पहले छोटा कैसे होता है और उसका बड़ा होने के बाद इसका कैसे यूज करते हैं हम लोग, उसको आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगा। ये चूल्हा का छोटा पेड़ है, इसको भी हम सब्जी खाते हैं। उसके बाद चूल्हा का पेड़ जो है ये इतना बड़ा हो जाता है, उसको इंग्लिश में अमरंथ बोलते हैं। और हम कैसे इसको यूज करते हैं, इसका दलिया, इसकी खीर। ये है चूल्हे का पेड़, ये अभी छोटा है, इसकी सब्जी खाते हैं हम लोग, काफ़ी टेस्टी होती है। इसमें दो कलर के होता है, एक रेड कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। पिछले वीडियो में दिखाया था आपको छोटा पेड़ था चूल्हे का, ये बड़ा पेड़ है। ये बड़ा होने के बाद ऐसा हो जाता है, उसके यह है इसके अंदर बीज ग्रीन कलर के हैं, क्योंकि अभी कच्चा है। पकने के बाद इसका कलर हो जाएगा व्हाइट, उसमें जो दाने निकलते हैं व्हाइट कलर के निकलते हैं और उसको हम खा सकते हैं। जो लोग ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, ये पूरा ग्लूटेन फ्री है। इसके साथ दलिया खा सकते हो, खीर बनाए खा सकते हो, काफ़ी सारे जो लड्डू बनते हैं मंदिर माता रानी को चढ़ते हैं व्हाइट लड्डू, और वो भी इसका लड्डू बनते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं इसके बाद। ये फ्रेंड चूल्हे के बीज, ये देख सकते हो आप, ये पकने वाले ऐसे होते हैं, इनको निकालना पड़ता है। ये पहले ग्रीन कलर के होते हैं, उसके बाद इसका कलर हो जाता है ऐसे। ये सारे चूल्हे के बीज हैं, ये देख सकते हो आप। इसको इंग्लिश से बोलते हैं अमरंत और हम उत्तराखंड भाषा बोलते हैं चूल्हे और कुमाऊँ भाषा बोलते हैं चू, यानी कि चूल्हे के बीज अमरंत। इसका पप भी बनता है और लड्डू बनते हैं। इसकी सब्जी कैसे बनती है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ये अमरंथ का पप है सॉल्टी, और ये अमरंथ के लड्डू हैं जो हम माता रानी को भोग लगाते हैं नवरात्रि में, और ये ऑर्गेनिक है और ये पूरा ग्लूटेन फ्री है, और इसका ऑर्गेनिक आटा है अमरंथ का। जो लोग ग्लूटेन फ्री खाते हैं वो लोग इसका खिचड़ी और खीर बना के खा सकते हैं।